ओके अभी देखो यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम चालू है हमारा. क्वेश्चन नंबर 4. अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ. द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज. तो देखो यहाँ पर करना क्या है कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में क्या बताया है, क्या क्या डेटा दिया है और हमारे पास कौन से वाले फॉर्मूलाज हैं. देखो ये है पेंडुलम, राइट. ये इसने क्या किया है, इसको अब आप छोड़ दोगे ना. मैं आप के कैसे करते हो इस पेंडुलम को, पहले तो आप ऐसे खींचोगे यहाँ तक, फिर ये यहाँ से जाकर यहाँ तक जाएगा कुछ, राइट. जो कि उन्होंने एंगल दिया है इसको, इसकी जरूरत नहीं है, राइट. उसके बाद अब ये जो आर्क है ना, आर्क की सेंटीमीटर दी है उन्होंने, ये आर्क की लेंथ दी है 8.8 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 30 डिग्री. ये पेंडुलम है, राइट. तो लेंथ ऑफ पेंडुलम उन्होंने पूछा है. चलो इसको ए बी सी लिख लेते हैं, आर्क ए बी सी. और इसकी जो लेंथ है ना वो निकालना है. अगर आप देखोगे ये, अगर आप सर्कल की रेडियस समझोगे तो उससे ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, राइट. तो हमें ये लेंथ निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम यूज करके ये निकाल सकते हैं, आर निकालना है, राइट. तो इसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट. ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क. और लेंथ ऑफ आर्क उन्होंने दी है, ये है 8.8 सेंटीमीटर, राइट. लेंथ है 8.8 इज इक्वल टू 2 पाई, राइट. आर निकालना है, थीटा है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360. चलो ये हम इससे पहले डिवाइड कर लेंगे, ये 3 2 जा ये आ गया 12. उसके बाद पाई को भी लिखना है अलग तरीके से, 8.8 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 22 बाय, चलो देखते हैं क्या होता है, 22 बाय 7 ये आ गया 12. ये 12 6 जा अगेन 2 3 जा, राइट. ओके अब क्या है, आप देखो यहाँ 11 से 8.8 को भी आप डिवाइड कर सकते हो. कैसे, 8.8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 88 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 11 आर डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3. ये 11 8 जा 88. आगे और कर सकते हो आप इसको, अब कोई नहीं. 8 इज 7 को मल्टीप्लाई करो, 3 इज इक्वल टू 10 आर, 10 आर. या फिर इस 10 को पॉइंट दे दो आप, 0.8 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू आर. ये आएगा 0.8 इंटू 21 इक्वल्स टू ए. बस इनका मल्टीप्लीकेशन करो अभी. चलो तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 16.8. चलो कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी. ये वाला प्रॉब्लम देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 5. अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर इन रेडियस हैज अ पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड. द एरिया ऑफ द पाथ इज. पहले तो हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी, ठीक है. पहले तो सर्कल ले लेते हैं हम यहाँ पर. सर्कल जो है वो कितनी से, मतलब रेडियस कितनी है उसकी, 35. ये देखो यहाँ पर ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर, राइट. उसके बाद उसके अराउंड में एक पाथ है 7 मीटर वाइड का, 35 मीटर है. उसके बाजू में हमें और एक सर्कल निकालना पड़ेगा, ये वाला, राइट. ओके और ये कितना है, 7 मीटर वाइड, राइट. ये डिस्टेंस है 7 मीटर, ठीक है. एरिया ऑफ द पाथ इज.
एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, ये है पाथ, ये वाला टोटल, बस इतना है। समझ में आ रहा है कि देखो यही पाथ, इसका एरिया हमें निकालना है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है ये 35 वाले की। लेकिन कैसे निकालोगे वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना है आपको। पहले ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किए हैं, बस लॉजिक लगाओ क्या करना होगा। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे ये एक सर्कल नंबर टू हम लेंगे, इसको लेंगे हम सर्कल नंबर वन, तो हमारे पास इस सर्कल नंबर टू की जो है ये टोटल रेडियस हमें मिल जाएगी, ये कितनी आएगी, ये आएगा 35 और ये है 7, मतलब आर टू इज इक्वल टू 35 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आएगा 42 मीटर, ठीक है। और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, देखो हमें करना क्या है, पहले हम निकाल लेंगे इसका एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया, राइट। देखो मैं अभी साइड में रफ डायग्राम आपको करके बताती हूँ, हमें निकालना है बड़े सर्कल का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, ये जो छोटा वाला सर्कल है ना अंदर का, इसका एरिया हमें डिलीट कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। मिल गया हमें पाथ का एरिया, बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, पहले तो दोनों के एरियाज निकालने होंगे आपको, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल टू इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 42 इंटू 42, राइट। इसको फिलहाल तो ऐसे ही रहने देते हैं। अभी और क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल वन इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन स्क्वायर। रेडियस वन कितनी है ये तो मालूम है, 35 है, 35 इंटू 35, राइट। आगे क्या करना है, बस हमें अभी लॉजिक लगाना है, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल टू माइनस एरिया ऑफ सर्कल वन। सर्कल टू का एरिया कितना है, पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 35 स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का एरिया मतलब स्क्वायर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी आसान तरीका हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर निकालने में टाइम चला जाएगा। ये देखो पहले तो हम पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा, 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ रहा है, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको हम लिख लेंगे 42 माइनस 35 इंटू 42 प्लस 35, राइट। अब ये आसान तरीका हो गया, पाई इंटू 42 माइनस 35 ये आएगा 7 इंटू 42 प्लस 35, राइट। इनका एडिशन आएगा 77, राइट। अभी इनका बस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये काफी आसान है। अब देखो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, पाई को पहले ले लो 22/7, मतलब 7/7 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन किसका करोगे, 22 इंटू 77 का। साइड में इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1694। चलो ऑप्शन है क्या ये भी तो देखना पड़ेगा, 1694 मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज ए, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर and circumference of it is C, then
इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। अब कैसे कर सकते हो आप? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कमफेरेंस और एरिया है निकालना, तो इनका आप रेशो ले लो, राइट। रेशो हमें लेना है एरिया टू सर्कमफेरेंस का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आएगा 2πr, राइट। पाई पाई कैंसिल, 1 रेडियस कैंसिल, फाइनली मिलेगा a बाई c इज इक्वल टू ऊपर बचा हुआ r डिवाइडेड बाय 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जैसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है इसको। 2a इज इक्वल टू cr, राइट। अब देखो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, यहां भी कंफ्यूज हो सकता है, ये वाला तो नहीं है b, ए आर अपॉन सी ये भी नहीं है, आर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। 2a इज इक्वल टू आर सी, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 37, देन एरिया ऑफ द सर्कल इज, मतलब ये क्वेश्चंस काफी आसान है। देखो क्या दिया गया है वो पहले आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब ये सब्ट्रैक्शन है किस किस का, सर्कमफेरेंस एंड रेडियस का, मतलब 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया। अब देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए, तो ये जो गिवन डेटा दिया है ना उससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 2 पाई आर माइनस आर, यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे आर, अंदर रहेगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। हमें आर की वैल्यू मिल गई, आर इज इक्वल टू मिल गया हमें 37 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 1। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 2 पाई, पाई को क्या करो आप 2 इंटू 22/7 माइनस 1 करो, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू आएगा 37 डिवाइडेड बाय ये 44 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, है ना, r इज इक्वल टू 37 होल डिवाइडेड बाय, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 37, राइट। ये जो डिवाइड वाला है वो ऊपर चला जाएगा 7 जाके, 37 कैंसिल, मतलब हमारे पास रेडियस हमें मिल गई 7। तो अभी एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, राइट, पाई आर का स्क्वायर, 7 कैंसिल, आंसर आएगा 22 इंटू 7, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ऑप्शन 154 ये आ गया सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ आर्क ऑफ सेगमेंट हैज मेजर ऑफ 60 डिग्री। पहले तो हमें निकालना होगा सर्कल। देखो सर्कल है ना, आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखो रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के बीच में ये आ जाएगी आपकी सेगमेंट का एरिया, राइट। चलो इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ये वाला ई, ठीक है। तो सेगमेंट का हमें निकालना है एरिया, और सेगमेंट कौन सी है, बी ई डी सी, राइट। और ये एंगल जो है ये दिया है उन्होंने 60 डिग्री वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 21 है तो ये भी रेडियस ही है, 21 ही आएगा, ये एंगल 60 डिग्री है फिलहाल। तो ये दोनों साइड अगर सेम है तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल इक्वल है और ये 60 है, मतलब एक एंगल 60 है, तो एंगल कितना बचा,
मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो बचा कितना? 120 डिग्री। और उसमें भी कंडीशन ऐसी है कि ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। तो 120 को आपको इक्वल टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा 60-60। मतलब अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट? ओके, ये तो ट्रायंगल के बारे में हो गया। ए बी डी, ये यहाँ पर हम लिख लेंगे। हियर ए बी डी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये यहाँ इम्पोर्टेंट है हमारे कैलकुलेशन एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। देखो, हमें ये वाला जो मैंने रेड कर दिया है ना, ये पोर्शन हमें निकालना है। तो आप क्या क्या तरीका कर सकते हो, यहाँ मैं रफ डायग्राम बना लेती हूँ। ये है सर्कल आपका, ये आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको निकालना है, राइट? तो क्या करोगे आप, पहले तो आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालो, ये वाला पूरा आएगा, राइट? सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ठीक है। उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, कौन सा वाला एरिया नहीं चाहिए आपको, ये ट्रायंगल का। अगर ये निकल जाएगा तो हमें हमारा एरिया मिल जाएगा सेगमेंट का। मतलब हमने बेसिकली क्या किया, हमने किया है यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। चलो सेगमेंट का भी नाम लिख देते हम, बी ई डी सी, और सेक्टर कौन सा है, ए बी सी डी। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। समझ में आ रहा है? ये ही बस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं। तो बारी बारी हम पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई को लिख लेंगे हम 22/7, रेडियस उन्होंने दी है 21 है, थीटा है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360। चलो ये हो गया, 6 आ गया यहाँ पर, 7 थ्री जा, ओके, अगेन 3 टू जा, अगेन 2 यहाँ पर आएगा 11। अब देखो क्या क्या रह गया, 11 इंटू 21, राइट? इनका मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। आगे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, राइट? ये √3/4, और साइड कितनी है, जितनी रेडियस है वही साइड है, राइट? यहां, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि √3 को 1.73 हमें यूज करना है। चलो √3 को लिख लेते हैं हम 1.73 इनटू, इनका तो स्क्वायर मालूम है 441 डिवाइड बाय 4, राइट? अब क्या करोगे आप, 441 को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो ये आएगा 1.73 इंटू 1, अगेन 1, अगेन 0.2। ओके, कोई बात नहीं।
अब इनका तो मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा, आप रफ में करके देखना है इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 190.73, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। करना क्या है, लॉजिक क्या था हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि 231 है ना, देखो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है 231 माइनस 190.73। ये कितना आएगा, चलो इनका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 40. ओके यहाँ पर 40. कितना है, देखो अभी ऑप्शन जो है वो पास पास है, 40.2 मतलब, हाँ ये देखो 40 तो नहीं आएगा, 40. समथिंग है, ये ऑप्शन नंबर आएगा सी। अब ये क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ अ बाइसिकल व्हील इज 14 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील आफ्टर मेकिंग 50 कंप्लीट रोटेशंस। बहुत सिंपल है, देखो पहले तो कह दिया है रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर, वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाइसिकल का व्हील, वो होता है इसका सर्कमफेरेंस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन कितना आएगा 2πr, ठीक है। पहले हम वो निकाल लेंगे, 22/7 टू इंटू रेडियस कितनी है 14 है, ये देखो 7 2 जा आंसर कितना आएगा, यहां पर यह आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक रोटेशन में कितना घूम रहा है वो व्हील, वन रोटेशन इज इक्वल डिस्टेंस कितना कवर किया 88 सेंटीमीटर, ऐसे उसने कितने रोटेशंस कंप्लीट किए हैं, 50 रोटेशंस, राइट। सो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा x इज इक्वल टू 88 इंटू 50, मल्टीप्लीकेशन करो 4400 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ ऑप्शन है क्या, राइट 4400 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा।